हेलो फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है तिलक। जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, इस हम लोग सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गेट में 1992 में 2 मार्क्स का पूछा गया है। तो इसमें पूछा ऑफ द नेटवर्क N1, N2, N3, N4 द नेटवर्क हैविंग आइडेंटिकल ड्राइविंग पॉइंट फंक्शंस। हमें आइडेंटिकल ड्राइविंग पॉइंट फंक्शंस निकालने, हमें नेटवर्क दिए हुए हैं N1, N2, N3 और N4, चार नेटवर्क दिए हुए। तो हम लोग क्या करेंगे, लाप्लास का यूज करेंगे। लाप्लास क्या होता है, इंडक्टर यदि L है उसका लाप्लास करेंगे तो LS हो जाएगा इंपेडेंस के फॉर्म में। और कैपेसिटर की बात करेंगे, कैपेसिटर का क्या हो जाएगा, C का 1/CS, ये भी इंपेडेंस के फॉर्म में CS, है ना, हम लोग सही से लिख लेते हैं CS। और रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर R का क्या हो जाता है, रजिस्टर R ये हो जाता है। तो ये होता है हमारा इंपेडेंस। अब क्या है, ये ब्रांचेस आपस में क्या है, पैरेलल में दी हुई है। देखिए ये दोनों ब्रांच, यदि हम इन दोनों एलिमेंट की बात करें, ये क्या है, सीरीज में, ये भी सीरीज में है। लेकिन यदि आपस में बात करें, ये वाली जो ब्रांच है, ये वाली ब्रांच इस ब्रांच के क्या है, पैरेलल में है। सिमिलरली ये वाली ब्रांच इस ब्रांच के क्या है, पैरेलल में है। ये वाली ब्रांच पूरी इस ब्रांच के कंपैरिजन में पैरेलल में है। ये भी ब्रांच इस ब्रांच के क्या है, पैरेलल में है। तो हम लोग देखेंगे पैरेलल में, तो हम लोग क्या करेंगे, एडमिटेंस निकालेंगे, क्योंकि पैरेलल में एडमिटेंस सॉल्व करना आसान होगा। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, हम लोग इसको 1 by 1 सॉल्व करते हैं। तो ये हुआ, ये हमारा जो है N4 है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे, एडमिटेंस के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा ब्रांच 1 का एडमिटेंस ब्रांच 2 का प्लस ब्रांच 3 का, तीनों को ऐड कर देंगे y1 y2 y3। यदि हम इम्पीडेंस के फॉर्म में लिखेंगे तो 1/z1 1/z2 प्लस 1/z3, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी इसका हम लोग एडमिटेंस लिख लेंगे, सॉरी इम्पीडेंस लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1/s हो जाएगा इसका, कैपेसिटर का, इसका भी 1/s हो जाएगा, रजिस्टर का 1 ही रहेगा, ये रजिस्टर एज इट इज रहेगा 2, और इंडक्टर क्या हो जाएगा 2s, ये हो जाएगा 2s। सिमिलरली इसको भी करेंगे, ये हो जाएगा 2s, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/s, ये 1, ये भी 1, ये 1 सॉरी इसको ls, तो ये हो जाएगा s, ये हो जाएगा 1/s, फिर ये वाला भी हो जाएगा 2s, ये 1 और ये 1/s। अब ये हम लोग इसको लाप्लास में ट्रांसफर कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एज हम लोग यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे। तो देखिए इस इन दोनों को जोड़ देंगे 2s+1, तो ये हो जाएगा z1 आ जाएगा हमारा 2s+1, यहाँ पे z1 क्या हो जाएगा 2s+1। सिमिलरली z2 क्या हो जाएगा, z2 इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 1+s, ठीक है। और यहाँ पे मैं हल्का से इसको इरेज कर देता हूँ जगह बनाने के लिए। अब प्लस क्या करेंगे हम लोग, लास्ट वाली ब्रांच, ये हो जाएगा 1/s, नीचे आ जाएगा ये z3 हो जाएगा। अब सबको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो नीचे क्या आ जाएगा 2s+1, नीचे आ जाएगा 2s+1। अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, s चला जाएगा ऊपर और नीचे क्या बचेगा 2s+1 बचेगा। सिमिलरली ये भी s चला जाएगा ऊपर, नीचे कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा s और फिर ये हो जाएगा s इंटू 2s+1। LCM लेना आप लोगों को आते ही होगा। सिंपली हम इसको जस्ट सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 2s2, ये s और s जुड़ के 2s हो जाएंगे प्लस 1 और नीचे आ जाएगा 2s+1। तो ये हुआ हमारा नेटवर्क N1। अब N2 को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो N2 को सॉल्व करेंगे तो इसका y लिखेंगे हम लोग y1 + y2, और ये हो जाएगा 1/z1 + 1/z2। और यदि हम लोग इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2s+1, तो यहाँ हो जाएगा 2s+1 z1 + z2 2 + 1/s, तो ये हो जाएगा 2 + 1/s। सॉल्व करेंगे हम इसको, 3 हो जाएगा 2s+1, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इस वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2s+1 हो जाएगा, s ऊपर चला जाएगा
फिर हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली ऊपर क्या जाएगा, एस प्लस वन, तो ये हो जाएगा एन टू। अब एन थ्री सॉल्व करेंगे हम लोग, तो एन थ्री सबसे पहले ये दोनों पैरेलल में इसको सॉल्व कर लो, तो पैरेलल में क्या होता है, जेड वन जेड टू, जेड वन प्लस जेड टू ये होता है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एस आ जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो एस प्लस वन आ जाएगा। ये किसके साथ जुड़ेगा, वन के साथ, प्लस वन के साथ इसको जोड़ देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस प्लस वन नीचे आ जाएगा, और एस ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, एस प्लस वन, तो टोटल क्या हो जाएगा, टू एस प्लस वन। ये हो गई इस ये वाली ब्रांच को हम लोगों ने, इस वाली ब्रांच को हम लोगों ने पूरा सॉल्व कर लिया। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया, ये पोर्शंस को, फिर हमने ये वन को यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये आ गया टू एस प्लस वन। यहाँ पे नीचे हम लोग, नीचे क्या आएगा हमारा, नीचे आएगा एस प्लस वन। अब क्या करेंगे हम लोग, सिमिलरली फॉर्मूला जो है हम लोग एन थ्री के लिए क्या लिखेंगे, नेटवर्क के लिए y लिखेंगे, तो y क्या जाएगा, ये वाली ब्रांच का इम्पिडेंस, तो ये हो जाएगा 2s plus 1, s plus 1 ऊपर चला जाएगा, तो s plus 1 ऊपर चला गया, फिर ये 1 upon 1 upon 1 upon 1s, ये भी s क्या है, ऊपर चला जाएगा। तो यदि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 2s plus 1, अब ये जो s है, ये वाला s, ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, यहाँ से कट होके। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे s 2s plus 1 हो जाएगा, और s plus 1 as it is लिख देंगे, s plus 1 as it is। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2s square हो जाएगा, 2s square plus s, और ये s 2s हो जाएगा, 2s हो गया, और plus ये 1, और नीचे आ जाएगा 2s plus 1। यदि हम लोग ड्राइविंग पॉइंट की बात करेंगे, ड्राइविंग पॉइंट फंक्शंस की, तो आप हम लोग यहाँ से देखेंगे, ये देखेंगे ये वाला पार्ट है ना, ये हम लोग ये वाला पोर्शंस और ये वाला पोर्शंस, तो हम लोग क्लियरली देखेंगे n1 जो है n3 के क्या है, सेम है, इक्वल है, तो n1 और n4 जो है आइडेंटिकल है, तो n1 और n3 सॉरी n1 n3 क्या है, आइडेंटिकल, सी ऑप्शन हो जाएगा। सिमिलरली मैं आपको ये वाला n4 भी सॉल्व करके बता देता हूँ, तो हम लोग n4 कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं ऊपर वाला पार्ट जो है इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, तो देखिए n4 को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे n4 को सॉल्व करेंगे, तो देखिए n4 के लिए यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे y, तो क्या जाएगा n4 के लिए, यहाँ पे 1 अपॉन z1 प्लस 1 अपॉन z2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन z1, तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 अपॉन s, और प्लस हम लोग इसको फर्दर दोनों को ऐड कर देंगे तो 2s प्लस 1, तो हो जाएगा 2s प्लस 1, और यदि हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 2s प्लस 1, आप क्या करेंगे s ऊपर चला जाएगा 2s प्लस 1 ये हो जाएगा प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा 2s प्लस 1 ये जो हो जाएगा 2s स्क्वायर हो जाएगा प्लस s आ जाएगा प्लस 1। तो हम लोग यदि क्लियरली चेक करेंगे इस वाले से, इस वाले को, तो देखेंगे यहाँ 2s आया है लेकिन यहाँ पे s आया है, तो ये आइडेंटिकल नहीं होगा, तो सही ऑप्शन क्या था हमारा, सी ऑप्शन था। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।